गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी फिलहाल जो है मैं बाइक बाहर निकाल रहा हूँ, क्योंकि गाइज अभी थोड़ा जाना है गांधी मोड़, और गांधी मोड़ का थोड़ा नजारा आप लोगों को दिखा देते हैं सुबह सुबह का। देख सकते हो यहाँ गांधी मोड़ का नजारा। अभी मैं गांधी मोड़ क्यों आ गया हूँ ये मैं बाद में बताऊंगा। ये चाय दुकान भाई प्यारा, एकदम सुबह सुबह ठंडी के दिनों का जान है भाई। भाई हाँ, थोड़ा देर पहले गांधी मोड़ गया था, गांधी मोड़ पे थोड़ा काम था इसी वजह से, और काम वगैरह करके उसके बाद गया था ड्यूटी है। ड्यूटी से भाई आ रहा था, तो अभी मैं क्या बताऊँ, थोड़ा सा कांड भी हो गया भाई। एक लड़की जो है बाइक ठोक दी, मतलब जबकि मैं सोचूं कि भाई बाइक जो है मैं साइड में लगा करके खड़ा था, मतलब कि बाइक पर मैं बैठा हुआ था और रोड के साइड में था, अचानक से पता नहीं कहाँ से आई और भाई मार दी पीछे साइड में बाइक का, और कुछ गार्ड वगैरह भी टूट गया, वो लेग गार्ड वगैरह ये सब थोड़ा सा कुछ कुछ टूट गया है बाइक का। तो हाँ, लड़की थी भाई, क्या बोल सकते थे, तो मैंने भी कुछ नहीं बोला और लोगों ने भी कुछ नहीं बोला, और वो भी सॉरी वगैरह बोल करके जो चली गई। शायद चोट भी थोड़ा बड़ा बहुत उसको लगा कि क्या। अभी खाना वगैरह बना लेते हैं, उसके बाद खा पी लेते हैं, खाने पीने के बाद निकलेंगे थोड़ा घूमने फिरने के लिए। जहाँ मैं सोच रहा हूँ जाने के लिए, वो एक स्पेशल जगह है, और ये मैं वहाँ जाने के बाद में बताऊँगा यदि मैं जाता हूँ तब। तो फिलहाल अभी क्या करते हैं ना, चलते हैं जल्दी से खाना पीना बना लेते हैं, खाना पीना बनाने के बाद उसके बाद भाई निकलेंगे थोड़ा सा घूमने के लिए। तो फाइनली गाइस, अभी खाया पिया हो चुका है और अभी जो है जल्दी से निकलते हैं घूमने के लिए। बताया था कि खाने पीने के बाद जल्दी से शाम में चलेंगे कहीं पर। हाँ, तो फिलहाल अभी खुला हुआ होगा या नहीं वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा। वहाँ जो है पहुँच करके दिखाता हूँ कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ और कैसा जगह है, और बंद है या खुला वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा गाइस। तो अभी फिलहाल जल्दी से निकल रहे हैं। गाइज अभी आ चुका हूँ विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय, और अभी चलते हैं दिखाता हूँ अंदर का नजारा। ये आपने सही देखा, ये कृषि विश्वविद्यालय जो भी है, मतलब क्या नाम लिखा हुआ था मैं भूल भी गया। देखो सर, अंदर घुसते ही मैं जो है भूल गया। तो देख सकते हो अभी भी फोर व्हीलर लगा, और बाकी इधर का सीन देख सकते हो गाइज कितना मस्त है। उधर एक ब्रिज जैसा भी बना हुआ है, इधर मैं बाइक लगाया हूँ, तो आज का प्लानिंग मेरा इधर ही घूमने का था। दिखा देता हूँ जगह जगह कैसा है भाई। ये देख सकते हो इस तरफ क्या मस्त एकदम ब्रिज बना हुआ है, मतलब ब्रिज अभी बना नहीं है, ये ब्रिज शायद बनने वाला है। और इधर कितना खाली खाली लग रहा है भाई। ओ गाइस, ये देख सकते हो, ये है सरसों की खेती, मतलब खेती क्या, खेती ही लग रहा है भाई, क्योंकि इतना ज़्यादा तो एक बार में नहीं उपजेगा ना। और बाकी ये देख सकते हो ब्रिज का नज़ारा वगैरह। तो भाई साहब सच में ये प्लेस, मतलब हाँ पहाड़ी इलाका नहीं है, क्योंकि ऐसे भी जैसे हम लोग के तरफ तो भाई पहाड़ पे चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग के तरफ तो पहाड़ है उस तरह से, तो सब कोई पिकनिक मनाने पहाड़ जाते हैं। पर हाँ, पिकनिक मनाने के लिए कोई शांत जगह चाहिए होता है, एकदम जंगल जैसा इलाका चाहिए होता है। तो भाई ये सब कुछ में अभी दूर में शायद आपको सन दिख रहा होगा, थोड़ा सा शायद नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इसमें मतलब बहुत छोटा दिख रहा है। तो इतना प्यारा लग रहा है ना अभी शाम के टाइम में, और भाई देख सकते हो इधर देखने पर पूरा जंगल ही जंगल लगेगा, मतलब ऐसा लग रहा है कि जंगल है। और जंगल के साथ साथ ये नदी है या तालाब है, शायद तालाब ही लग रहा है, यह काफ़ी बड़ा तालाब है, नहर बोल सकते हैं, हाँ ये नहर है शायद। और साथ में उधर ब्रिज वगैरह बन रहा है कुछ, जो कि ये ब्रिज चला जाता है उधर जहाँ मैं गया हूँ। फिलहाल ये काफ़ी अच्छा जगह है भाई, मतलब कि हाँ पिकनिक मनाने के लिए तो बेस्ट है। और बाकी ये पंप शायद ये पानी वगैरह निकालने के लिए होगा, हाँ पिकनिक मनाने लायक है। उधर तो कुछ पुराना जैसा भी है, खंडर जैसा, मैं जा कर के दिखाता हूँ अभी। तो ये ब्रिज पर हाँ भाई फ़ोटो और वीडियो शूट के लिए तो भाई एक नंबर है, तो यहाँ पर फ़ोटो और वीडियो शूट तो कर ही सकते हैं ना। तो अभी क्या करते हैं ना, एक दो रील्स वगैरह बना लेते हैं। हाँ, रील्स के लिए सॉरी यार फेसबुक फ्रेंड, किसी बदमाश बच्चे के वजह से जो है, ओह यार किसी बदमाश बच्चे के वजह से जो है मैं फेसबुक पर कुछ अपलोड नहीं कर पाऊँगा 3 दिन के लिए। फिलहाल जो है फेसबुक तो 3 दिनों के लिए भाई चला गया। मैं पोस्ट देख सकता हूँ, ना लाइक कर सकता हूँ, ना कॉमेंट कर सकता हूँ, ना मैसेज कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं भाई। अंदर में क्या आवाज़ कर रहा है, तो ये पानी में रहने वाला शायद कोई जीव होगा जो कि बहुत प्यारा सा आवाज़ निकाल रहा है, कुरकू 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 कुरकू, मैं भी निकालू। ओ गाइस, अभी जो है फिलहाल यहाँ पर कुछ स्लो मोशन वीडियो भी शूट कर लेता हूँ, जो कि वीडियो में काफ़ी अच्छा लगेगा, कोशिश करूँगा वीडियो में डालने के लिए ब्लॉग में।
अभी क्या करते हैं गाइस, दो चार जो है रील्स वगैरह शूट कर लेता हूँ, क्योंकि भाई ऐसा जगह फिर कभी नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो भीड़ भाड़ मिलेगा, तो अभी क्या करते हैं ना थोड़ा दो चार रील्स शूट कर लेते हैं, कोई नहीं देखेगा, कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, आप लोग भी कुछ मत बोलना ठीक है। तो गाइज हाँ, रील वगैरह बन चुका है, मेरा होने चला है ना, तो मैं सोच रहा हूँ क्या कि आराम से जो है मतलब कि चलते हैं, और उधर जंगल टाइप का है, मैं शायद आप लोगों को दिखाया नहीं हूँ घुसने टाइम, तो ऐसा करते हैं क्यों नहीं चलते हैं जल्दी से और जंगल तरफ थोड़ा सा दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर बाइक लेते हैं और चलते हैं जल्दी से रूम, क्योंकि अंधेरा नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा शांत इलाका है ना, किसी का कॉल भी आ रहा है, मैं कॉल रिसीव कर लेता हूँ, और अभी आप लोगों को थोड़ा जंगल वगैरह दिखा देते हैं। और ये जो है देख सकते हो, यहाँ पर मैंने बाइक लगाया है, तो अभी मेरा कुईं कुईं करने से ये कुईं कुईं भी करता है, तो अभी फ़िलहाल ये जंगल वगैरह थोड़ा सा अंधेरा हो गया, मुझे दिन में दिखा देना चाहिए था पहले ये सब, तो मैं नहीं दिखाया, तो कोई नहीं, पहले मैं ये दिखा देता हूँ। भाई इधर गिदर भी आता है क्या, मुझे तो डर लगने लगा। ऐसा करते हैं ना, बाइक को पहले उधर लेकर के चलते हैं और उसके बाद उधर से दिखाऊंगा, क्योंकि इधर का जिस तरह शांत माहौल है ना, थोड़ा डर टाइप का भी लग रहा है अभी ही थोड़ा सा अंधेरा होने पर, तो पिकनिक स्पॉट तो जानते ही हो भाई, ऐसा शांत जगह नहीं होता है तो मज़ा आता है। बाकी हाँ भाई, एक ये पुराना सा घर दिख रहा है जो कि देख सकते हो लाइट वगैरह जला हुआ है, तो बाइक लेकर के आ जाते हैं, क्योंकि पैदल जा रहा हूँ, बाइक को उधर ही छोड़ दिया हूँ, तो चलते हैं पहले बाइक को ले आते हैं। तो गाइस बताना ये जगह कैसा लगा आप लोगों को, आई होप आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा हो, मतलब क्योंकि शांत जगह है ना बहुत ज़्यादा, तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया, और हाँ पिकनिक मनाने के लिए बेस्ट है, हाँ दिन में भी आने के लिए ठीक है, पर शाम या अंधेरा में भाई इधर रहने लायक नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शांत इलाका है ना, तो थोड़ा डर टाइप का लगता है। तो यही जगह के लिए मैं बोल रहा था कि कहीं चलेंगे, शायद खुला हो या बंद हो तो मैं जा सकूंगा, तो अभी फ़िलहाल करते हैं इधर से ही, देख सकते हो इधर से ही गाड़ी को जो है, चाबी मेरे हाथ में है, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ गाड़ी को, ये देख सकते हो गाड़ी हो चुका है स्टार्ट, ये है मेरा कैमरा का हेडलाइट भाई गाड़ी का, देख सकते हो, तो ये एकदम पुराने ज़माने का जैसा लग रहा है, 200 साल पहले का स्कूल हो। तो गाइज अभी जस्ट मैं वहां से निकल करके जा ही रहा था रूम की, अचानक मुझे रास्ते में दिख गई है स्मार्ट पॉइंट, तो अभी चले चलते हैं जाकर के अंदर देखते हैं, क्या पता सारा सामान फ्री में ही मिल रहा हो, क्योंकि भाई ओपनिंग आज ही हुई है, तो यहां सच में बहुत ही सस्ता है, यहां फ्री में नहीं मिल रहा है, पर मुझे लग रहा है 50% तक का डिस्काउंट में बहुत सारा सामान ऐसा मिल रहा है, तो मैं सोचा था कि लूँगा मैं भी कुछ, पर मैं कुछ नहीं लिया, क्योंकि भाई ले करके इतना भीड़ है ना काउंटर पर, मैं दिखा देता हूँ अभी। अच्छा अपने से खोल भी सकते हैं क्या? अच्छा ना, तब आप लोग के रूम के बगल में खोल गया, तब तक कहीं जाने आने का प्रॉब्लम नहीं है, आइए आइएगा, धनिया पत्ता यहीं से ले जाइएगा। फिलहाल दोनों बाइक वगैरह लगा ही लेते हैं बाइक, और अभी फिलहाल जल्दी से चलते हैं रूम, खाना वगैरह बनाना होगा। तो भाई अभी जो है बाइक रख के आ ही रहा था कि ये बच्चे लोग को दिख गया सब, कोई मेरा वीडियो देखते हुए, देखो ये दीदी हो, देखो मेरा वीडियो देख रहा है, ये जोलो, ये दीदी है मेरी, ये लोग जो है जोलो चिप्स वाला वीडियो देख रहा है, बदमाशी ब्लॉग में दीदी भी दिया जाएगा, ये लोग बहुत बदमाश है, बदमाशी करते रहता है, कुछ कुछ बोलते रहता है। अभी गाइस पहले थोड़ा देर खेल लेते हैं। तो हाँ गाइज फिलहाल जो है आ चुका हूँ रूम, और हाँ देखा आप लोगों ने जहाँ गया था, बाकी नाम मैं बार बार उसका भूल जा रहा हूँ, कृषि विश्वविद्यालय करके था, तो वहाँ गया हुआ था, वहाँ से आया और उसके बाद नीचे थोड़ा बैडमिंटन खेला, गाड़ी वगैरह भी लगा दिया हूँ, तो खाना वगैरह भी जो है थोड़ा बहुत बना लेते हैं, खा लेते हैं, उसके बाद जो है आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो कोई नहीं मैं उसको शॉर्ट करने का कोशिश करूँगा, तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, तो हाँ मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में, जो है फिर मम्मी आ जाएगी, और कल 25 दिसंबर है, तो हाँ आप लोगों को मैरी क्रिसमस, आप लोग इन्जॉय करो, काफ़ी इन्जॉय करोगे पता है, और 25 दिसंबर तो दिन ही ऐसा है, तो क्रिसमस डे, तो फिलहाल क्या करते हैं अभी खाना पीना खा लेते हैं और चलते हैं सोने के लिए, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होगा ना, क्योंकि मम्मी आ जाएगी सुबह ही, तो उनको लाने के लिए जाना पड़ेगा, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।